सात आठ माह पहले इसके घर में गया था मैं। मुझे पता चला ये किराए पे मकान देते हैं या कमरा देते हैं। मैं शाम को आता था, ये बस लड़ाई झगड़ा इनका। तो मैंने इनसे पूछा, यार इतनी तंग हो तो आप इससे तलाक क्यों नहीं लेते। फिर हमारा प्लान बना इसको मारने का। शादी होने तो थोड़े दिन बाद ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सी क्या पानी नहीं सी दिंदा इन्हूं, अपनी भी जान ले लेनी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद, इस वक्त मांगा मंडी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर एक खातून ने जो 6 बच्चों की माँ थी, अपने आशना के साथ मिलके अपने ही शोहर का कत्ल कर दिया। वो आशना मुअज्जम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि किस तरह ये कत्ल किया और कैसे पकड़े गए, किस तरह ये कत्ल हुआ, कब से इस खातून के साथ मेल मिलाप था और किस तरह तुम पकड़े गए। इस खसून से 7-8 माह पहले बातचीत शुरू हुई थी। पूरी कहानी बता दो, किस तरह अब तक आज के दिन तक जो इस खातून से सारा तल्लुक है, जो जो हुआ है वो सारा मुझे बताओ। 7-8 माह पहले इसके घर में गया था मैं इसके शोहर से मिलने। तो मुझे पता चला ये किराए पे मकान देते हैं या कमरा देते हैं। तो उससे मिला, उसने कहा ठीक है आप रह लो किराए पे, तो शाम को सोने आओ सुबह चले जाना। मैं कहा ठीक है। दुकान बनाई थी मैंने बाहर। मैं शाम को आता था, ये बस लड़ाई झगड़ा इनका, जब भी घर में आए तो लड़ाई झगड़ा, बच्चों के सामने गाली गलौज। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने फिर इनसे बातचीत शुरू हुई। तो मैंने इनसे पूछा, यार इतनी तंग हो तो आप इससे तलाक क्यों नहीं लेते। उसने कहा ये मुझे तलाक देता ही नहीं। तो मैंने कहा आप अपने घर वालों को बताओ या किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को। कहती है सभी को बताया मगर कोई सुनता ही नहीं। फिर हमारी बातचीत काफ़ी बढ़ गई थी। तो मैंने यहाँ से फिर दुकान उठाई और मैं जलो मोड़ लोहर चला गया। तो इनसे शोहर से भी रابطہ था, इससे भी रابطہ था। तो फिर एक दिन हम ये तंग बहुत आ गई थी। तो मैं भी इनके लड़ाई झगड़े से बहुत तंग था, यार ये क्या बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो फिर हमारा प्लान बना इसको मारने का। तो फिर इसको एक हफ़्ता पहले मैं आया तो नींद की गोलियां दी इसको। तो वो रात को चाय में डाल के इसको दे दी उसको। तो फिर उसको कपड़े में गला दबा के मार दिया। ठीक है, फिर पकड़े कैसे गए, पुलिस ने कैसे पकड़ा। मैं घर में ही था उस वक्त। किस घर में? जहाँ ये कत्ल हुआ। उसी घर में थे? क्योंकि लोगों को पता था मैं रात को आया हूँ, इसलिए मैं नहीं भागा। थे साथ सोए हुए थे? जी नीचे एक कमरा था वहाँ। अच्छा, नीचे जो किराए पे जहाँ रहते थे वहाँ उसी कमरे में? जी। अच्छा फिर? तो फिर बस आ गए पुलिस लेकर आई, मैं तो भागा नहीं। बस अगले दिन ही पुलिस ने पकड़ लिया? जी उसी दिन। और एतराफ़ कब किया तुमने? उसी टाइम कर दिया। तो उसी वक्त एतराफ़ भी कर लिया। और ये जो खातून है, इससे जो तल्लुक है, तल्लुक की नौयत क्या थी? बस बहुत ही ज़्यादा थी। के बावजूद के ये 6 बच्चों की माँ थी? जी पता था। असल बात यह है कि तुम यहाँ पे आए थे बतौर एक किराएदार के और अकेले रह रहे थे, ठीक है। 25 साल 26 साल उम्र हो गई थी, शादी हुई नहीं थी, तो तुमने इस मौके से फ़ायदा उठाया बेसिकली। तुम्हें इतना इससे हमदर्दी नहीं थी कि ये खातून पे एक पे हो रहा है, इस तरह तो लाखों खवातीन हैं जिस पर इस तरह जुल्म हो रहा है, तो तुमने उस चीज़ से फ़ायदा उठाया अपने मकसद के लिए। अगर मकसद से फ़ायदा उठाना होता तो मैं इसको जान से ना मारता। हमेशा के लिए ले रहे थे उसको, मकसद से फायदा तो उठा रहे थे तुम भी? नहीं, घर भी मिल जाता, खातून भी मिल जाता। किराया दे रहा था घर का उसको उस वक्त जब शादी हो जानी थी। घर छोड़ के बाद तुम्हारा ही था? नहीं, उसके बच्चों का, मेरा क्या। मालिक तो तुम बन गए थे, शादी होनी थी तुम्हारी तो मालिक तो बन गए। बाप के बाद औलाद का ही होता है सारा कुछ। औलाद तो अभी 13 साल की कौन सी अभी, तो वो बच्चों को मिलेगा यार। कितने बहन भाई हो? 3। बहन भाई, बाकी क्या करते हैं? मैं अकेला ही हूँ भाई। बहनें क्या करती हैं? घर में है, शादी। एक शादी शुदा है, उसके भी बच्चे हैं? जी एक बेटी है। एक बेटी और दूसरी बहन अभी घर पे है? पढ़ती है? नहीं, स्टडी छोड़ दी है। स्टडी छोड़ दी। और माँ और बाप? घर में ही है। पहले मेहनत मजदूरी करते? हाँ जी, मैं फैक्ट्री में काम करता।
ये इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद कुछ शर्मिंदगी है जी? क्या बनेगा ये नहीं सोचा था उस वक्त? पता नहीं चला, कुछ तो सोचता ही है बंदा। बंदा मारना इतना आसान थोड़ा इंसान के सुकून से मार लेता बंदा, बंदा मारना हो तो। यार समझ ही नहीं आई उस वक्त यार। एक दफा एहसास तो हुआ होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, या उस वक्त बस मारना है तो मारना है? उस वक्त यही था बस। नाज़रीन ये मुअज़्ज़म का आपने सुन लिया, वो खातून जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं। अब रो क्यों रही हैं आप? कोई दुख है, कोई किसी बात का दुख है इसलिए रो रही हैं? क्या नाम क्या आपका? परवीन। बीबी ए दस के की होया है, किवें वो किवें इन्ना तल्लुक बन गया मौज़म नाल? मौज़म दे दिलासियां दी वजह तो शोहर तशद्दुद करदा सी। किन्ने सालां जदों दी शादी होई सी? खुश नहीं सी तू? उहदे शादी जबरदस्ती होई सी, दहाया ही नहीं सी मैनू, जबरदस्ती होई सी। ते जदों शादी होई किन्ने सालां बाद ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? शादी होण तो थोड़े दिन बाद ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ਜਿੰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਬਣੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ? 14 ਸਾਲ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ? ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਾੜੇ ਦੇ ਆ। ਕਾੜੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗ ਦੇ ਖਾਤੂਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਸ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ वो खातून मौजूद थी, परवीन इसका नाम है, और जिस तरह के आपने सुनी कि उसने सिर्फ इस वजह से शोहर को कत्ल किया कि वो इस पर 14 साल से
तशद्दुद कर रहा था, जुल्म कर रहा था, इसी वजह से इसने अपने आशना के साथ मिलके जो कि इसको दिलासे देता था, जो इससे प्यार मोहब्बत का जिसका ताल्लुक था, उसके साथ मिलके इसने उसको कत्ल कर दिया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगेबान।